गुड इवनिंग। सो इन द प्रीवियस सेशन वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट डू वी मीन बाय प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल्स, और हमने अलग अलग फॉर्मूलाज सीखे, कुछ सॉल्यूशंस भी हमने स्टडी किए। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 4। सो बिफोर मूविंग अहेड मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू पर कर लें। ठीक है, एंड देन अगेन वी मस्ट कम बैक टू द सम्स ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच आर कंपैरेटिवली वेरी वेरी इजी। सो फॉर दैट टू हैपन, करेक्ट, वी आर स्टार्टिंग विद फ्यू क्वेश्चंस ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरियंस। यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला आज सवेरे ही सीखा है। Correct. Anybody who remembers what is the formula of expected value, beta? Kya study kiya humne expected value ka formula? Correct. Expected value, yani ki e of x bhi aap keh sakte hain. Aap isse expected mean bhi keh sakte hain. Aap isse mu bhi keh sakte hain. It is given by x into p of x. और अगर आपको वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस ऑफ एक्स, तो उसकी फॉर्मूला दी गई है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, और ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर हमने क्या सीखा है? इट इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। तो मैंने सोचा कि पहले हम जरा इन फॉर्मूलाज पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है उन्होंने हमें, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरिएंस ऑफ वेयर एक्स इज द नंबर ऑन अपर मोस्ट फेस व्हेन अ डाइस थ्रोन। तो अगर मैं डाइस थ्रो करता हूं, कोई भी डाई मैं थ्रो करूं, करेक्ट, तो एक डाइस में तो बेटा 6 साइड होते हैं, राइट? उसमें से ये कहते हैं कि द अपर मोस्ट फेस। तो अगर मैं कोई भी एक डाइस लूं, करेक्ट, और मैं उसे रोल करूं या मैं उसे टॉस करूं, तो सैंपल स्पेस में मुझे एलिमेंट्स कितने आने वाले हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस? अगर मैं डाई रोल कर रहा हूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 विल बी व्हाट? 1/6, यस और नो? एवरीवन, क्या ये बहुत बेसिक है? इसलिए मैंने ऑलरेडी बना के रखा ताकि आप लोग का टाइम थोड़ा कम लगे सॉल्व करने में। यस और नो? अगर सैंपल स्पेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 1 आने के चांसेस क्या होंगे? 1/6। 2 आने के चांसेस क्या होंगे? 1/6। 3 आने के चांसेस क्या होंगे? 1/6। हर एक नंबर के आने के चांसेस क्या होंगे? 1/6। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट बेटा? एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस स्टेप दैट इफ द वैल्यू ऑफ द डाइस इज टेकिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो पी ऑफ एक्स यानी कि हर एक की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। अब हमें क्या करना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, उसका फॉर्मूला है एक्स इंटू पी ऑफ एक्स का समेशन। तो पहले तो मैं इंटू करूंगा, ठीक है, तो 1 × 1/6 कितना आएगा? 1/6। 2 × 1/6 विल बी 2/6। 3 × 1/6 विल बी 3/6। दिस विल बी 4/6, 5/6 एंड 6/6। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या है बेटा? इन सभी का समेशन, समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। तो डिनोमिनेटर तो बेटा हर एक का सेम है 6, न्यूमरेटर ऐड करते हैं 5 + 6 = 11, 11 + 4 = 15, 15 + 5 = 20 + 1 = 21। मिल गया मुझे, करेक्ट। सो द एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर दिस, एक्सपेक्टेड वैल्यू e of x is nothing but equal to summation of x into p of x, yani ki expected value is equal to 21/6। इधर ही आपको मिल गई 2 marks, ये 4 marks का question है। expected value हमने निकाल ली,
अभी वेरिएंस अगर मुझे चाहिए, आई वांट टू फाइंड द वेरिएंस ऑफ एक्स, तो उसकी फॉर्मूला क्या है? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, और ई ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है? समेशन किसका? एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स का माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। ठीक है, आई थिंक सभी लोगों को एक्स का स्क्वायर करने आता होगा, बट स्टिल आपको कंफ्यूजन नहीं हो या आपको डाउट नहीं है, उसके लिए आई एम गोइंग टू राइट दिस। ठीक है, अब जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में डायरेक्टली वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू है 1, तो 1 स्क्वायर इंटू 1/6, फिर एक्स स्क्वायर इट इज 2, सो 2 स्क्वायर इंटू 1/6, एक्स स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर इंटू 1/6, देन 4 स्क्वायर इंटू 1/6, 5 स्क्वायर इंटू 1/6, 6 स्क्वायर इंटू 1/6। ठीक है, तो इन द एग्जामिनेशन करेक्ट यू आर नॉट गोइंग टू राइट दिस स्टेप जो मैंने अभी ऑरेंज में लिखा है। एग्जाम में आपको डायरेक्टली लिखना है 1 स्क्वायर 1, 1 इंटू 1/6, राइट? तो इंटू कीजिए, ये आएगा 1/6, 2 स्क्वायर विल बी 4, 4/6, 3 स्क्वायर विल बी 9, 9/6, 16/6, 25/6, 36/6। हमें क्या चाहिए? समेशन, मतलब इन सभी का एडिशन। तो एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स का टोटल डिनोमिनेटर में आएगा 6। चलो ऐड करते हैं, देखो इसका न्यूमरेटर है 36, 36 प्लस 4 ये हो गया 40, 19 प्लस 6 सॉरी 16 प्लस 9 25, तो 40 प्लस 50 ये हो जाएगा 90, 90 प्लस 1 दिस विल बी 91। तो मुझे ई एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स क्या मिला? 91/6। अब बस हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, ये आया है मुझे 91/6 माइनस ई ऑफ एक्स, मुझे कितना मिला है? 21/6 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो 91/6 माइनस 21, 21 का स्क्वायर होता है 441/36। अब मैं क्या करूं बेटा, जो पहला टर्म है आई एम मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 6। ठीक है, तो 91 इंटू 6, 6 9 जर इट इज 54। ओके, सो दिस विल बी 546 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 441 डिवाइडेड बाय 36, सो दिस विल बी 105/36। अगर आपको इसको और रिड्यूस करना है, और रिड्यूस कीजिए, दिस विल बी 35/12। अगर आप इसे डेसीमल में लेके जा रहे हैं बेटा, देन यू नीड टू गो अप टिल करेक्ट अप टिल 2 और max 3 डेसीमल प्लेसेस। लेकिन अगर आप यहाँ तक भी करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट? सो एनी डाउट्स टू एनी वन इन फाइंडिंग द वेरियंस एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर द फॉलोइंग? एनी वन हैविंग एनी डाउट्स इन फाइंडिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरियंस? इट्स अ 4 मार्क सम बेटा, 4 मार्क के लिए ये सम आता है आपको, आपको पूरा टेबल खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट बेटा इस सम में? एनी बडी हैविंग एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट बेटा? ओके, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैं 2 डाइस बेटा रोल करूं, करेक्ट, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आते हैं? अब जैसे यहां पर 1 डाइस है ना, 2 डाइस रोल करूंगा तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे बेटा? 2 डाइस, 4 पॉसिबल आउटकम्स। क्या बात है विकास, सॉरी टू से गलत है बेटा आंसर। अरे 1 डाइस में 6 आउटकम्स, दूसरे डाइस में 2, 2/36, क्या बात है बेटा, 36 आउटकम्स आते हैं। आई थिंक नैना भी बहुत टाइम के बाद अटेंड कर रही है लेक्चर, आई थिंक मॉर्निंग का भी लेक्चर आपका मिस हुआ है। इफ आई थ्रो 2 डाइस तो बेटा ऐसे आउटकम आएंगे ना, 36 आउटकम आते हैं, यस और नो बेटा? देयर विल बी हाउ मच? 36 आउटकम्स,
ये हो गया आपका फर्स्ट डाई, ये फर्स्ट और ये से सेकंड, यस और नो बेटा, यस और नो एवरीवन, टोटल कितने 36 आउटकम्स आएंगे ना बेटा, करेक्ट, और यही होते हैं आपके 36 आउटकम्स। अभी मेरे को आपको इसमें कुछ बताना है, इसमें अगर मैं आपको ये बोलूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम एज टू, कि पहले डाई पे जो नंबर आए प्लस दूसरे डाई पे जो नंबर आए उसका टोटल आना चाहिए टू, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, वन डिवाइडेड बाय, देव डिवाइड नहीं करोगे ऑल पॉसिबल आउटकम से, इट विल बी 1/36, करेक्ट, ओके, ठीक है, चलो देखते हैं आप में से कितने लोग मुझे इन सभी का आंसर दे पाते हैं, करेक्ट, सो लेट मी आस्क यू फ्यू मोर क्वेश्चंस, ठीक है, एक बाजू मैं लिखूंगा सम ऑन दी टू डाइस, एक बाजू में लिखूंगा सम ऑन दी टू डाइस और एक बाजू में लिखता हूं उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बहुत ध्यान से। सो मेरा पहला क्वेश्चन था व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी दैट आई गेट दी सम एज टू, ठीक है, तो सम एज टू मतलब पॉसिबल आउटकम क्या आएगा बेटा, व्हाट विल बी दी पॉसिबल आउटकम इफ आई से दी सम इज टू, करेक्ट, कैन आई से दिस विल बी दी पॉसिबल आउटकम, ये 1,1 will be the possible outcome, yes, correct, और ऐसा एक ही possibility है, correct, ऐसा एक ही possibility है 36 में से, correct, so इसीलिए आपने इसका answer मुझे कहा 1/36, अब अगर मैं आपको कहता हूँ what is the probability that getting the sum as 3 बेटा, sum as 3, तो क्या आएंगे बेटा पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे सम एज थ्री में, क्या क्या आएगा, ये वाला आउटकम 2,1 and 1,2, ये दो आउटकम्स आएंगे, तो इधर एक ही आउटकम था, इधर दो आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3 है तो 2/36। अब अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that you get the sum as 4 beta, sum as 4, correct, sum as 4, तो अगर 4 है तो क्या आएगा answer, 3/36, कुछ observe कर रहे हो, 2 था तो 1 आया, 3 था तो 2 आया, 4 आया है तो 3 आया है, अब अगर मैं आपको पूछूंगा sum as 5 तो इसका answer क्या हो जाएगा, 4/36, मैं आपको पूछूंगा सम एज 6 तो आप क्या बोलेंगे आंसर, 5/36, अब अगर मैं आपको पूछूंगा सम एज 7 तो आप क्या बोलोगे, 6/36, अब ये है ना मैक्सिमम होने वाला है, 7 इज द मैक्स, ठीक है, आप बोलेंगे सर कैसे, देखो मैं दिखाता हूं, सम एज 2 हो गया, अब मैं सम एज 3 में देखो ये वाले आउटकम्स आएंगे, सॉरी 4 में ये वाले आउटकम्स, तो 1, 2 के बाद इधर आया 3, अब अगर मैं आपको 4 बोल रहा हूं तो 4 में क्या आएगा, यानी कि सम एज डी 4 हो गया ना 5, सम एज 5 मतलब 4/1, 3/2, 2/3, 1/4, तो इसके कितने आए बेटा 4 आए, अब अगर मैं आपसे 5 पूछूं तो 5 के लिए यानी कि सम एज 6, सम एज 6 के लिए ये 5 पॉसिबिलिटीज आएंगी बेटा, ठीक है, अब मैं आपको सम एज 7 पूछूं तो 7 के लिए देखो क्या आएगा, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अब ये है ना बेटा मैक्सिमम है, अब इसके आगे क्या होगा ना चीजें घटते जाएंगी, 6 के बाद अगर कोई आपको पूछेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम एज 8, तो अभी देखो उल्टा होएगा, 8 के लिए देखो कितने चांसेस है बेटा, 8 के लिए 1
two, three, four, five. Yes. Eight के लिए कितने चांसेस आ गए बेटा? Five. तो six से फिर एक रिड्यूस हो गया, 5/36. ठीक है, अब देखिए, अगर आपको कोई बोले सम एज 9 बेटा, तो 9 के लिए देखो कितने पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं बेटा. 9 के लिए 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6. देख रहे हो अभी क्या हो रहा है, अभी रिड्यूस होते जा रहा है. यस और नो? अभी एक एक से घटते जा रहा है, करेक्ट. अब अगर मैं आपको कहूं सम एज 10, फिर 11 और 12, ठीक है. इफ आई टेल यू द सम एज 10, 11 या 12, तो 10 के लिए क्या आ जाएगा बेटा? 3/36, 11 के लिए 2/36 और 12 के लिए 1/36. तो एग्जाम में आपको इतना याद रखने की जरूरत ही नहीं है. आप क्या याद रखेंगे यार, जब भी मुझे सम के ऊपर आएगा सम ऑफ टू डाइस, तो मुझे पता है 2 आने का टोटल 1/36, फिर 2 से लेकर 7 तक एक एक से बढ़ते जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 से लेकर 12 तक फिर एक एक घटते जाता है. यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? डू यू ऑल एग्री विद दिस? करेक्ट. सो इट इज अ बेटर वे ऑफ रिमेम्बरिंग द थिंग्स. यही नहीं, क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें पूरे में करेक्ट टोटल हमारे पास 36 आउटकम्स हैं. ठीक है, टोटल है ना आपके पास 36 आउटकम्स हैं. इन 36 में से अगर मैं 6 देखूं, तो 6 आउटकम्स होते हैं बेटा, वो डबलेट्स होते हैं. डबलेट्स मतलब समझता है आपका, नंबर सेम ऑन दी टू डाइस, जैसे कि 1-1 हो गया, 2-2 हो गया, 3-3 हो गया, 4-4 हो गया, 5-5 हो गया और 6-6 हो गया. ठीक है, तो 36 में से 6 चले गए, बाकी बचे कितने? 30. अब 30 जो है ना वो डिवाइडेड है अगेन दो पार्ट्स में, 15 एज वेल एज 15. 15 में क्या होता है, ऑब्जर्व कीजिए बेटा, पहले 15 जो मैं अभी आपको ड्रॉ करके यानी कि शेड करके बताऊंगा. ठीक है, सो लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट. देखो ये 1-1 वाला बेटा, 1-1, ओके सॉरी इट इज नॉट गेटिंग शेडेड, पिंक कलर यूज करते हैं. ये देखो 1-1 को छोड़ दो, इसमें देखो पहले नंबर से दूसरा नंबर बड़ा है. ठीक है, यस और नो? यहाँ पर 3-1, अगेन पहला नंबर बड़ा है दूसरे से. 4-1, अगेन पहला नंबर बड़ा है. अगेन 5-1, अगेन 6-1. फिर देखिए 3-2, अगेन पहला नंबर बड़ा है. 4-2, पहला नंबर बड़ा है. 5-2, पहला नंबर बड़ा है. 6-2, पहला नंबर बड़ा है. फिर 4-3, 5-3, 6-3. तो 15 केसेस ऐसे बनते हैं जिनमें फर्स्ट नंबर, इसमें फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन दी सेकेंड नंबर, और 15 केसेस ऐसे बनते हैं वेयर द फर्स्ट नंबर इज लेस देन दी सेकेंड नंबर. तो आपका जो 36 का कंपोजिशन है ना बेटा, वो ऐसे डिवाइडेड है, 15, 15, 6. तो 6 मतलब जब पहले डाई पे और दूसरे डाई पे नंबर सेम आता है, 15 जहां पर पहले डाई पे नंबर आता है वो बड़ा होता है दूसरे से, और नेक्स्ट 15 जहां पर पहले डाई पे नंबर छोटा आता है दूसरे डाई से. ठीक है, तो दिस इज हाउ करेक्ट रोलिंग ऑफ टू डाइस इज नोन. तो मैंने बोला आगे सम्स पे जाने से पहले थोड़ा डाइस के बारे में आपसे बात कर लूं कि दो डाइस हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आते हैं बेटा वो 36 आते हैं, और उसके बेसिस पर हमने सम ऑन टू डाइस का एक टेबल भी बना लिया. ठीक है, किसी को कोई डाउट बेटा इस टेबल में? Anybody having any doubts in the table, beta? Any doubts to anyone in the table? कहीं भी कुछ भी अंडरस्टैंडिंग में तकलीफ बेटा? ओके, तो अभी इसी के ऊपर बेस्ड हमें एक और 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड दैट इज दिस. ठीक है, मैंने बना के रखा है सम नंबर 14. बोला है लेट एक्स डिनोट दी, क्या बोला है? देखो सम ऑफ टू नंबर्स ऑब्टेन्ड व्हेन टू फेयर डाइज आर रोल्ड. बोला है फाइंड दी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स. तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? रूट ऑफ वेरिएंस. ठीक है,
तो एक टेबल तो बेटा मैंने आपको अभी अभी बता दिया, देखो वही सेम टेबल है यहाँ पर, यस और नो बेटा, क्या मैं कह सकता हूँ? मैंने इसीलिए कलर भी येलो ही रखा है उधर, जैसे येलो से हाईलाइट किया। अरे किसी को कोई दिक्कत बेटा? पहले दो कॉलम्स एग्जाम में ये आपको खुद से बनानी है, हाँ एग्जाम में एक्स पी ऑफ एक्स आपको खुद से बनाना है, करेक्ट। लेकिन मैंने क्या किया ना, एक्स और पी ऑफ एक्स पहले आपको अलग से समझाया और फिर मैं अभी सम पर जा रहा हूँ, ठीक है? तो चलो एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, सभी को टेबल आती होगी राइट, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, तो 2 × 1 ये आ जाएगा 2/36, 3 × 2/36 मतलब 6/36, 4 × 3/36 यानी कि 12/36, 5 × 4/36 यानी कि 20/36, 6 × 5/36 5 × 6 = 30/36, 7 × 6/36 7 × 6 = 42, 42/36, 5 × 40 40/36, 4 × 9 = 36 तो 36/36, 10 × 3 = 30 30/36, 11 × 2 = 22 सो 22/36, 12 × 1 = 12 दैट विल बी 12/36, ठीक है? तो इन सब का समेशन इज नथिंग बट व्हाट बेटा, ई ऑफ एक्स, करेक्ट। तो लेट मी फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ ई ऑफ एक्स बेटा। ई ऑफ एक्स यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इज समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। अब बेटा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ई ऑफ एक्स की, डिनोमिनेटर तो बेटा 36 ही आएगा। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब लोग इसका ऐड कीजिए, तब तक हम स्क्वायरिंग वाला पार्ट करते हैं। गर्ल्स विल ऐड इट एंड बॉयज यू विल हेल्प मी आउट इन स्क्वायरिंग। आप लोग स्क्वायरिंग चेक कीजिएगा जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी गर्ल्स आप इसका न्यूमरेटर टोटल कीजिए, ठीक है? तो पहला टर्म 2 स्क्वायर, करेक्ट? यस और नो? एक्स एक्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स है, तो 2 का स्क्वायर विल बी, पहले मैं स्क्वायर स्क्वायर लिख देता हूँ जस्ट कि कोई गड़बड़ नहीं हो जाए उसके लिए, करेक्ट? कोई गड़बड़ नहीं हो जाए उसके लिए। 2 स्क्वायर विल बी 4, 3 स्क्वायर विल बी 9, देन 16, देन 25, देन 36, देन 49, करेक्ट? 7 स्क्वायर विल बी 49 एंड देन 8 स्क्वायर विल बी 64। हाँ नैना एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट बेटा, नैना का टोटल हो गया, आई एम जस्ट टेलिंग हर टू वेट फॉर 1 मिनट। मैं ये अलग कलर से पहले सिर्फ स्क्वायरिंग लिख रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट करके फिर बाद में आंसर लिखेंगे। इसका आएगा 81, इसका आएगा 100, इसका आएगा 121, इसका आएगा 144। एक्स स्क्वायर मैंने बाजू में लिख दिया है, ठीक है? आई हैव रिटन द एक्स स्क्वायर बाजू में। अभी एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स करना है, ठीक है? सो बहुत ध्यान से हाँ बेटा, बहुत ध्यान से। मुझे एक्स स्क्वायर मिला है 4, तो 4 × 1/36 कितना आएगा? 4 × 1/36 कितना आएगा बेटा? 4/36। अब मैं प्रोडक्ट करके लिख रहा हूँ, ठीक है? फिर 9 x² × p(x), 9 × 2 यानी कि ये हो जाएगा 18/36, ठीक है? फिर ये 16 x² × p(x), 16 × 3 = how much बेटा? 48, 48/36, देन एक्स स्क्वायर इज 25, 25 × 4/36, 25 × 4 = 100, 100/36, फिर है इधर एक्स स्क्वायर दैट इज 36, 36 × 5, 10 होता है 360, 360 का आधा होगा 180, सो दिस विल बी 180/36, देन 49 x² × 49 × 6, 54, पीछे 4 आएगा 5, सो दिस इज गोइंग टू बी 29, 294/36, ठीक है? फिर एक्स स्क्वायर इज 64, 64 × 5/36, 64 × 5/36, 64 × 5, 10 टाइम्स करेंगे तो 640, आधा हो जाएगा 320, करेक्ट? सो इट इज गोइंग टू बी 320/36,
हाँ ओके ओके लक्ष्य दा, एक मिनट बेटा, ये नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। एक्स स्क्वायर इज 81, 81 इंटू 4/36, करेक्ट। तो 81 इंटू 4 विल बी 324/36। फिर एक्स स्क्वायर इज 100, 100 इंटू 3/36 विल बी 300/36। 121 इंटू 2/36 विल बी 242/36। नहीं नहीं देव, 242 ना, अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, आपने लास्ट वाला दिया है। लास्ट में 144 इंटू 1/36 विल बी 144/36। ओके, अभी इसका भी आपको टोटल करना है। गर्ल्स प्लीज डू दी टोटल। उसके पहले मुझे बताइए, ई ऑफ एक्स का न्यूमरेटर क्या है बेटा आपका? नैना ने आंसर भेजा था, सॉरी नैना, एक बार प्लीज फिर से भेजेंगे। 252/36। ओके बॉयज प्लीज डू दी टोटल, दोनों दोनों करो, गर्ल्स एज वेल एज बॉयज दोनों करेंगे टोटल। तो e ऑफ x मुझे मिल चुका है 252/36, करेक्ट। तो इसका आंसर हमें आता है, इट इज नथिंग बट 7। तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गया बेटा 7। ठीक है, अभी अगर मुझे वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस ऑफ x इज e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर। तो e ऑफ x स्क्वायर इज समेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू p ऑफ x माइनस e ऑफ x द होल स्क्वायर। बेटा क्या आ रहा है टोटल इसका? इसका टोटल देखो, डिवाइड में तो बेटा 36 आएगा, करेक्ट। न्यूमरेटर क्या आ रहा है? हाउ मच? 1976। ओके कि 1974, 1970, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। आई वॉन्ट एवरीबडी शुड एड ऑल द न्यूमरेटर्स। I'm here talking about summation of x square into p of x, divide में तो आएगा 36। Numerator बेटा add कीजिए जल्दी, please add the numerator। ओके, टू पीपल आर सेइंग 1974। बेटा रुको, एक दो और लोगों का वेट करते हैं। दो लोगों का आंसर सेम आया है अभी, लेट अस वेट फॉर फ्यू मोर पीपल। निखिल का क्या है आंसर? निखिल, चिराग, व्हाट इज योर आंसर बेटा? अनीशा जल्दी टोटल करो बेटा। मंशा, ओके, तीन लोगों का 1974 आ रहा है, चार लोगों का, पांच लोगों का, ओके। सो इट इज 1974/36। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट 1974/36 माइनस, इसका आंसर तो बेटा आया है हमें 7। ठीक है, यानी कि 7 का स्क्वायर। तो 36 को अगर हम डिवाइड करें तो इट विल बी 5000, 4000 पॉइंट 36, 10000, 360, 180, नहीं उससे बड़ा चाहिए। ओके 8000, देन 2 जा तो नहीं लगेगा, इट विल बी 72। 3 जा इज 108, 3 जा इज 108, फिर भी थोड़ा न्यूमरेटर में सॉरी बचेगा रिमाइंडर। डेसिमल के बाद 2 तक ही जाना है, सो माइनस 49। सो 54 माइनस 49, सो इट विल बी 5.83।
ठीक है, तो ये आया आपको वेरिएंस ऑफ एक्स, लेकिन आपको वेरिएंस नहीं चाहिए था, आपको चाहिए था स्टैंडर्ड डेविएशन. सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. सो स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5.83 एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर. ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है ना डिवीजन में? देखो पहले मैंने लगाया 5000, क्योंकि 36 5 आएगा 180. ठीक है, तो 180 माइनस 197 मतलब 174 बचेगा, फिर 4000 आएगा 149, 300, 288 बचा, तो 120 बचेगा, 120 लास्ट में रिमाइंडर 12 भी बच रहा है, बट मैंने उसे काउंट नहीं किया बेटा, आई डिडंट काउंटेड दैट. ठीक है, सो यू हैव गॉट ऑल दी वैल्यूज बेटा, यू गॉट द एक्सपेक्टेड वैल्यू, यू गॉट दी वेरियंस, यू गॉट दी स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये आपके सबसे बड़े दो इम्पॉर्टेंट सम्स थे बेटा, पूरी एक्सरसाइज में सबसे लेंदी यही सम्स है विच यू हैव कवर्ड. अब बाकी जो है बहुत छोटे छोटे और सिंपल से सम्स हैं, करेक्ट? सो इन दो सम्स में किसी को कोई डाउट बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? Any doubts to anyone in this sum, beta? किसी को कोई doubt, beta? Okay. So, चलो let us go ahead for the next sums. तो हमने 14 कर लिया, हमने 10 कर लिया, और morning में हमने 1, 2, 3, 4 खत्म किए थे. तो 16 में से 4 हो गए, plus 2 और यानी कि 6 हो गए. और मैंने बोला दो आपको करने नहीं है, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा. अब मैं कह रहा हूँ कि चलो 16 पहले कर लेते हैं. अब सब छोटे छोटे सम्स करते हैं, दो बड़े सम्स कर लिए हैं, चलो अभी छोटे छोटे सम्स करेंगे. 16, ठीक है, 16 अगेन बोला है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरिएंस. ठीक है, क्या बोला है जरा रीड करते हैं. बोला है 70% ऑफ द मेंबर्स फेवर एंड 30% अपोज अ मीटिंग. 70% लोग फेवर में हैं, करेक्ट, और 30% लोग अपोज में हैं. द रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है, द रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यू 0. एक्स की वैल्यू 0 होगी इफ अ मेंबर अपोजेस द प्रपोजल, यानी कि अगर अपोज करने वाला है तो एक्स का वैल्यू है 0, एंड द वैल्यू इज 1 इफ द मेंबर इज इन फेवर. फेवर में है तो एक्स वैल्यू क्या लेगा? 1. बोला है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द वेरिएंस. बहुत 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 इजी सम है बेटा ये तो, वेरी इजी सम. देखिए कैसे. सॉल्यूशन नंबर 16, करेक्ट, हमें क्या बोला है? मेंबर्स इन फेवर आर 70%. तो मैं क्या बोलूंगा? प्रोबेबिलिटी फॉर a member in favor of proposal, in favor of proposal is 70%, that is 70/100. yes, kisi ko koi doubt beta is step mein? 70/100, ये हो गया फेवर. तो सिमिलरली अपोज में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी फॉर ए मेंबर इन अपोज जिंग ए प्रपोजल, अपोजिंग ए प्रपोजल will be is 30%, that is 30/100. हाँ नैना, आपको चाहिए बिल्कुल उसे 7/10 लिखो और इसे 30/100 लिखो. 7/10 भी क्यों बेटा, मैं तो बोलूंगा 0.7 लिख दो और इसे 0.3 लिख दो. अब उन्होंने हमें क्लियरली बोला है x वैल्यू लेगा 0 अगर वो अपोज करता है तो, और 1 अगर वो फेवर करता है तो. ठीक है, तो जब वो अपोज करता है
उसका प्रोबेबिलिटी है 0.3, जब वो फेवर करता है उसका प्रोबेबिलिटी है 0.7। बोला है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरियंस। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। तो मैं इधर ही निकाल देता हूँ ना, एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ठीक है, 0 × 0.3 विल बी 0, 1 × 0.7 विल बी 0.7। इसका टोटल कर लेता हूँ बेटा, 0 + 0.7 विल बी व्हाट, 0.7। सी मिल गया एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 0.7, करेक्ट। तो हम लोग का हो गया पहला बिट। दूसरा बिट बोला बेटा वेरियंस, तो वेरियंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ, सॉरी मैं डायरेक्ट लिख रहा था फॉर्मूला, माय मिस्टेक, वेरियंस इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा will be summation of x square into p of x minus e of x the whole square। तो मुझे x square into p of x निकालना चाहिए, तो x square into p of x, 0 का square will be 0, किसी से भी multiply करूँ 0 ही आएगा, 1 का square will be 1, तो 1 × 0.7 भी क्या आएगा, 0.7। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो फिर से मुझे मिलेगा 0.7, तो मुझे क्या मिलेगा, ये 0.7 माइनस 0.7 द होल स्क्वायर। सो इट इज बेसिकली 0.7 माइनस 0.49 इज एज गुड एज 70 − 49। 70 − 49 विल बी हाउ मच बेटा, 21, तो 0.21। तो आपको वेरियंस ऑफ एक्स मिलेगा 0.21, ठीक है। एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस सम बेटा, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस सम, किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा। थोड़ा टेबल आप लोग मुझसे बेटर बना लीजिएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट बेटा, सम नंबर 16 में वी इजिली गॉट द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरियंस। एनी डाउट्स टू एनीवन इन सम नंबर 16 बेटा, एनी डाउट्स टू एनीवन इन सम नंबर 16। ओके, आई विल रिक्वेस्ट चिराग टू डू द नीडफुल बेटा। Okay, so 16 is also done. Let us go for now 15. is again an interesting sum. मैं आपको इसका सिर्फ और सिर्फ हिंट दूंगा, ठीक है, बाकी सॉल्व आप लोग इसे करेंगे। सो यू ऑल बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर सॉल्विंग दिस सम बेटा, यू ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। क्या बोला है, अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट्स whose ages are given to you, ठीक है। If x denotes the age of randomly selected student, पहले तो बोला probability distribution निकालो और फिर साथ में बोला mean और variance। तो मैं आपको probability distribution तक मदद करूँगा, mean और variance आप निकालेंगे, ठीक है। तो इधर मैं लिखूँगा x के values और इधर मैं लिखूँगा p of x के values, कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आपके लिए भी इजी है और मेरे लिए भी, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू अभी हम काफ़ी सम्स कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ इन्होंने एक्स बोला है, सो वी आर डीलिंग विद सॉल्यूशन 15। ही हैज टोल्ड दैट एक्स डिनोट्स व्हाट, एज ऑफ ए रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट, एज ऑफ ए randomly selected student, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूं
एक्स, अब देखते हैं एजेस क्या क्या है, तो 14, फिर 17, ठीक है, 14 के बाद फिर से 15, फिर से है 14, मतलब 14 दो बार आ गया, ठीक है, तो ये 14 हो गया, ये 17 हो गया, ये 15 हो गया, 14 हो गया, फिर है 21, फिर वापस से है 17, फिर है 19, ठीक है, फिर है 20, ठीक है, फिर है 16, ठीक है, फिर है 18, ठीक है, फिर से है 20, मतलब 20 आ गया दो बार, ठीक है, फिर से है 17, 17 ये आ गया तीसरी बार, फिर है 16, तो 16 आ गया दूसरी बार, फिर है 19, 19 भी आ गया दूसरी बार, फिर वापस से है 20, 20 आया तीसरी बार, ठीक है। तो अब हमें पता है एजेस क्या क्या है, एजेस अगर मैं सीक्वेंस में लिखूं तो एज क्या क्या आएगी, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, एजेस जो हैं बेटा इतने ही हैं, 14 से लेकर 20 तक, ठीक है, लेकिन वो रिपीट भी हुए हैं, ठीक है, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा, 15, यस, टोटल स्टूडेंट्स कितने बेटा, 15 स्टूडेंट्स हैं, 21 भी है, सॉरी, ओके ओके, 21 भी है, ठीक है, तो एजेस में क्या क्या आएगा बेटा, एजेस में आएगा 14 कितनी बार है, दो बार है, ठीक है, सो 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। अब कौन सी कितनी बार आई है, 14 दो बार आया है, ठीक है, 14 इज टू टाइम्स, एक सेकेंड, सो ये मुझे मिल गए मेरे x के वैल्यूज, दिस आई हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ x बेटा, आई हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ x नाउ, अब 14 दो बार है, और बेटा सैंपल स्पेस में हमें बच्चे कितने दिए, व्हाट आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सैंपल स्पेस बेटा, 15, करेक्ट, सैंपल स्पेस में कितने बेटा, 15, अब p ऑफ x निकाल रहा हूँ बेटा, मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, तो 14 कितनी बार है, दो बार, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2/15, यस, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन 2/15 बेटा, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स, ओके, 15 कितनी बार आया बेटा, 15 एक ही बार आया है, सो दिस विल बी 1/15, 16 आया है दो बार, सो दिस विल बी 2/15, 17 आया है तीन बार, सो दिस विल बी 3/15, 18 कितनी बार आया है, एक बार, सो अगेन 1/15, 19 आया है दो बार, सो 2/15, 20 आया है तीन बार, तो 3/15, 21 आया है एक बार, 1/15। अब अगर मैंने अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बरोबर किया है तो इसका टोटल 1 आना चाहिए, ठीक है, तो जरा टोटल चेक करते हैं, समेशन ऑफ पी ऑफ एक्स बेटा, बेस में तो 15 आएगा, बेस में तो 15 आएगा, सो 1+3 4+2 6+1 7+3 10+2 12 13 14 15, यस, इट इज टर्निंग आउट टू बी 1, मतलब मेरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 100% बरोबर है, तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करके दिया है। अब उन्होंने आपको बोला है मीन निकालो, मीन मतलब एक्सपेक्टेड मीन, तो उसके लिए एक कॉलम बनेगा आपका x इंटू पी ऑफ x, फिर बोला है वेरियंस, वेरियंस के लिए एक कॉलम बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ x, अब ये हमने बहुत बार किया है, राइट, तो अब ये काम हुआ आपका बेटा, ये काम हुआ आपका, चलो इसको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई करके मैं दे सकता हूँ, क्योंकि टेबल्स जो हैं वो छोटे छोटे ही लग रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आई एम हेल्पिंग यू, बट यस, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स वो आप करेंगे, सो 14 टूज आर विल बी 28, सो 28 बाई 15, दिस विल बी 15 बाई 15, 16 टूज आर विल बी 32 बाई 15, 17 थ्रीज आर इज 51 बाई 15, 18 ones are 18 by 15, 19 twos are 38 by 15, 20 into 3, 60 by 15, 21 into 1, this will be 21 by 15, correct, so summation of x into p of x,
डिवीजन में आएगा 15, ठीक है। तो 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 30 कितना आएगा 110, प्लस 10 120, प्लस 50 170, 200, 200 प्लस 10 210, प्लस 20 230, प्लस अभी नंबर ऐड करते हैं, ठीक है 230 हो गया, 8 प्लस 10 15 16, प्लस 8 24, प्लस 8 32, प्लस इज इट टर्निंग आउट टू बी 263 बेटा, इज इट टर्निंग आउट टू बी 263, ठीक है। तो आपको आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू भी मिल गया, बाकी आप लोग फाइंड करेंगे वेरिएंस, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज समेशन ऑफ एक्स इनटू पी ऑफ एक्स, दैट इज 263 बाय 15, बाकी वेरिएंस यू आर गोइंग टू ट्राई योर सेल्फ, ठीक है। कर पाएंगे सभी लोग वेरिएंस निकाल पाएंगे बेटा, एवरीवन एवरीवन वेरिएंस निकाल पाओगे बेटा, यस और नो बेटा, करेक्ट। सो आई विल रिक्वेस्ट चिराग टू डू द नीडफुल बेटा। सो आपके सारे बड़े सम्स हो गए बेटा, ऑल द बिग सम्स आर कंप्लीटेड, बहुत ही छोटे छोटे सम्स अभी बाकी हैं, वो आराम से चलते रहेंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में हमें दो सम्स नहीं करने हैं और वो है 6 और 7। ये जैसे ही मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म करूंगा ना, उसके बाद आप ट्राई करेंगे, ठीक है। 6 और 7 यू विल ट्राई आफ्टर आई कंप्लीट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जल्दी से हम सम नंबर 5 कर लेंगे, दैट विल बी अवर लास्ट सम ऑफ द डे। Find the probability distribution of the number of success in two tosses of a tie. एक die को हमने दो बार toss किया है। जैसे ही आपके सामने ये बात आए कि एक die को हमने दो बार toss किया है, मतलब sample space होगा 36. Success is defined as getting a number greater than 4. Number जो है वो greater than 4 आना चाहिए जब आप दो बार dice को roll कर रहे हैं। अगर आप डाइस को दो बार रोल कर रहे हैं तो ये आपको पूछ रहा है कि कितने परसेंट बोल रहा हूँ, व्हाट आर द चांसेस दैट यू गेट द सक्सेस और दैट द नंबर इज ग्रेटर देन 4। तो क्या क्या हो सकता है बेटा, एक्स क्या है बेटा मेरा, व्हाट इज माय एक्स, एक्स इज व्हाट डिफाइंड एज नंबर, गेटिंग ए नंबर, getting a number greater than 4, greater than 4, number जो है greater than 4 आना चाहिए। अब आपके पास हाथ में डाइस है तो आपने डाइस रोल किया, ठीक है, हो सकता है कि आपको दोनों को ऐड करके एक भी बार नंबर greater than 4 नहीं आए, ठीक है। या तो ऐसा हो सकता है कि जब आपने दो बार डाई रोल किया तो दो में से एक बार किसी नंबर पे, एक बार किसी डाई पे नंबर ग्रेटर देन 4 आया हो, या ऐसा हो सकता है कि आपने रोल किया और दोनों ही बार डाइस पर नंबर ग्रेटर देन 4 आया हो, ठीक है। जीरो मतलब क्या, आपने दो डाइस रोल किए, दोनों डाइस में से किसी भी डाइस पे नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया। फिर वन मतलब एक बार जो है नंबर आपको 4 से बड़ा आया, एक बार छोटा आया, मतलब एक डाइस पर। दो मतलब दोनों डाइस पर जो नंबर आया दैट इज ग्रेटर देन 4। सो एक्स कैन टेक दीज थ्री वैल्यूज, एक्स कैन टेक दीज थ्री वैल्यूज। किसी को कोई डाउट एक्स की इन तीन वैल्यूज पे, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दीज थ्री वैल्यूज बेटा, एनी डाउट्स टू एनीवन ऑन दीज थ्री वैल्यूज, ये बताइए। हमने अभी अभी देखा था, करेक्ट, कितने चांसेस होंगे, चलो निकाल ही लेते ना, प्रोबेबिलिटी ऐसे ही निकाल लेता हूँ मैं, एक्स इक्वल टू जीरो, एक भी बार डाइस पे नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया हो तो क्या क्या आ सकता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 नहीं आएगा, 1 5 नहीं आएगा, 1 6 नहीं आएगा, 2 1 यस आएगा, 2 2
आएगा, टू थ्री आएगा, करेक्ट, येस और नो? एक भी बार नंबर ग्रेटर देन फोर नहीं है, ठीक है, तो टू फोर भी आएगा, ठीक है, इधर मैं वन फोर लिखना भूल गया, सॉरी, मैंने वन फाइव बोल दिया, ठीक है, एक भी बार ग्रेटर देन नहीं आया, फिर थ्री वन आ सकता है, थ्री टू आ सकता है, थ्री थ्री आ सकता है, थ्री फोर आ सकता है, करेक्ट, फिर क्या आ सकता है बेटा, फोर वन आ सकता है, फोर टू आ सकता है, फोर थ्री आ सकता है, फोर फोर आ सकता है, करेक्ट, एक भी बार ऐसा नहीं है कि किसी भी डाई में नंबर ग्रेटर देन फोर आया हो, सब फोर या फोर से छोटे हैं, तो एक लाइन में चार, तो चार लाइन में सोलह, इसका प्रोबेबिलिटी होगा 16/36, तो ये मिल गया मुझे पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, अब मुझे चाहिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू वन, मतलब मैंने जो दो डाइज रोल किए हैं, एक डाई पे तो नंबर ग्रेटर देन फोर आएगा, नंबर ग्रेटर देन फोर आएगा, मतलब 15, 16, ठीक है, फिर क्या आएगा 25, 26, एक डाई पे तो नंबर ग्रेटर है, फिर क्या आएगा 35, 36, फिर आएगा 41 नहीं, 42 नहीं, 43 नहीं, 44 नहीं, 45, यस, 45, 46, अभी इधर तो सभी पे आएगा 51, 52, 53, 54, 55 नहीं आ सकता बेटा, क्या कोई मुझे बता सकता है 55 क्यों नहीं आएगा, एनीवन हु कैन टेल मी 55 क्यों नहीं आएगा बेटा, 55 इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि फिर दो नंबर ग्रेटर देन 5 हो गए ना, आप समझ रहे हैं, दोनों नंबर क्या हो गए ग्रेटर देन 5, वो नहीं चाहिए, फिर इधर क्या आएगा 61, 62, 63, 64, करेक्ट, कितने नंबर हुए 2, 2, 2, 2, 8, 8 + 8, इसका भी आंसर कितना आ रहा है बेटा 16/36, अब देखो 16, 16 हो गया 32, करेक्ट, मतलब x इक्वल टू 2 में कितने चांसेस आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 4, करेक्ट, जहां पर दोनों नंबर ग्रेटर देन 4 हो, यानी कि 55, 66, 56, 65, यस और नो बेटा, यस और नो, करेक्ट, तो इसका चांसेस कितना हो जाएगा, p ऑफ x इक्वल टू 2 विल बी 4/36, हो गया, बन गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैं जल्दी से टेबल बनाता हूँ, x 0, 1, 2, इधर आएगा p ऑफ x, 0 पे आएगा 16/36, 1 पे भी 16/36, इसका आएगा 4/36, और आप देख सकते हैं इसका टोटल कितना आएगा बेटा, टोटल विल बी 1, टोटल विल बी 1, दैट इज 36/36, दैट इज 1, ठीक है, एनी डाउट्स टू एनीवन इन सम नंबर 5 बेटा, सम नंबर 5, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स, सम नंबर 5, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा, किसी को कोई डाउट बेटा सम नंबर 5 में, यस, चिराग, देव, देव लालवानी, साक्षी, मंशा, लक्षदा, दीपिका, विश्वास, विकास, हिमांशु, नैना, यस, यश, शैलेश श्रीवास्तव, प्रियंका, ईशा, अनीशा, एनी डाउट्स बेटा, एनी डाउट्स इन सम नंबर 5, ओके, तो अभी 16 में से हमारे पहले 5 हो चुके हैं, ठीक है, 6, 7 हमें करना नहीं है, ठीक है, और हमारा 14 हो चुका है, 15 हो चुका है, 16 हो चुका है, और एज वेल एज हम लोग का सम नंबर 10 भी हो चुका है, ठीक है, रिमेनिंग सम्स जो है हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट चिराग टू डू द नीडफुल बेटा, ओके, सो वी विल स्टॉप हियर, ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा, ठीक है, चलो, सी यू ऑल, थैंक यू एवरीवन.
Have a great evening ahead.